हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको स्वागत हम देवेंद्र त्रिपाठी प्रिपेयर आईएएस की तरफ से नमस्कार। आप सभी अवगत होंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए समाजकार एक ऐसा विषय है जिसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित किया जा सकता है, परंतु अंक अर्जित करने के लिए समाजकार अच्छा विषय है लेकिन इसका संपूर्ण अध्ययन आवश्यक हो जाता है। ये इसलिए संपूर्ण अध्ययन आवश्यक हो जाता है कि विगत दो वर्षों से जो परीक्षा पैटर्न चेंज हुआ है जिसमें आपके तीन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 अंक के और 10 अंक के, यानी जो पहले 40 अंक का क्वेश्चन आता था, 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, वह अब 15 और 10 में बढ़ गया है। यानी 10 नंबर जो आप पहले टिप्पणी करते थे वो अब 10 नंबर के हर 5 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करेंगे सब में मिलेगा। 15 अंक के क्वेश्चन जो आप करेंगे वो पूरा संपूर्ण अध्ययन पर ही निर्भर रहेगा, क्योंकि पूरे संपूर्ण अध्ययन से ही समाजकार के सिलेबस से उठाकर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। विगत क्वेश्चन को अगर आप अध्ययन करें, फर्स्ट पेपर जो आपका है प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके समाजकार सोशल वर्क के प्रिंसिपल, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी जो प्रणालियां हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो ही आप सेकंड पेपर में जाते हैं, सेकंड पेपर चूंकि अप्लाइड सोशल वर्क है, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। किसके कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं? समाज कार्य के कॉन्सेप्ट को यदि आप सीधे सीधे सोशल प्रॉब्लम में नहीं अप्लाई करते हैं तो आपके मार्क कम मिलते हैं। इसलिए हमारा यही दिशा निर्देश प्रिपेयर आईएएस की तरफ से जो पैटर्न बनाया गया है कि बच्चे अधिक से अधिक मार्क पा सके, उसका मेन उद्देश्य यही है कि कैसे हम समाज कार्य के प्रिंसिपल को, उसकी प्रणालियों को, उसके मेथड्स को, उसके रिसर्च प्रणालियों को किस हिसाब से लगाया जाए कि सेकंड अप्लाइड पेपर जो आपके 15 अंक के आ रहे हैं ये अच्छे से अच्छे लिखे जाए और कम शब्दों में लिखे जाए और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए। सोशल वर्क की शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। यदि आप सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो अप्लाई करने में सेकंड पेपर के आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और बहुत आराम से आप सेकंड पेपर को सॉल्व करके अच्छे मार्क प्राप्त कर सकते हैं। हमारे वहां विगत परीक्षाओं में बच्चे बहुत अच्छा मार्क प्राप्त किए हैं, 290 प्लस तक मार्क उनके मेंस में आए हुए हैं। सोशल वर्क समाज कार्य यदि हम समाज कार्य को देखें तो समाज कार्य की निर्भरता मनुष्य के जीवन से शुरू होती है, यानी जब से मनुष्य उदय का जन्म होता है तब से समाज कार्य भी अपना कार्य करने लगता है, यानी पैदा होने से लेकर के अंत तक समाज कार्य की भूमिका मौजूद रहती है। समाज कार्य को देखा जाए तो मनुष्य जब पैदा हुआ यानी वह नरी जाति है, यानी आपका अध्ययन शुरुआती तौर पर अगर देखें तो नरी विज्ञान से है, यानी आप नरी विज्ञान से चलते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे हो रहा है, जन्म के बाद मनुष्य आगे कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे मनुष्य सामाजिक होता है और समाज कार्य से उसका संबंध स्थापित होने लगता है, समाज शास्त्र की भूमिका आने लगती है, यानी मनुष्य समाज के बारे में परिवार, नातेदारी, रिश्तेदारी, धर्म, जाति, प्रथा सारी चीजें जानना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे ये प्रथाएं वो जानता है सामाजिक कुरीतियां भी उसके साथ, सामाजिक नियम बंधन भी उसके साथ लागू होने लगते हैं और धीरे धीरे मनुष्य के ऊपर समाज की क्रियाकलाप हावी होने लगते हैं
और मनुष्य फिर बाधित होने लगता है मानसिक और सामाजिक समस्याओं में। ऐसी समस्याएं जिससे बाधित होने के बाद उसे आवश्यकता होती है चिकित्सकीय प्रणालियों की, जिसमें उसको मनोविज्ञान की प्रणाली की आवश्यकता होती है प्लस चिकित्सा विज्ञान की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि देखा जाए तो मनुष्य की सबसे ज्यादा विकृति समाज में उत्पन्न समाज द्वारा उत्पन्न सामाजिक बुराइयों से होती है, या सामाजिक नियम और बंधन इतनी कठोरता से मनुष्य के ऊपर लागू होते हैं कि मनुष्य उस सामाजिक नियम और बंधन में इस प्रकार बंधा होता है कि अपने रिश्तेदारी नातेदारी समस्त संबंधों को एक साथ जुटाते जुटाते मानसिक रूप से पीड़ित होता चला जाता है। यानी मनुष्य सामाजिक समस्या के साथ साथ मानसिक समस्या से भी ग्रसित हो जाता है, अवसाद से ग्रसित हो जाता है, कुंठा आ जाती है, मनुष्य उस बीच में फंसा हुआ दिखाई देता है और अपने अवसाद से निकलने के लिए वो निरंतर प्रयत्न करता है। प्रयत्न में कई प्रकार की गलतियां होती है जिससे वह पूर्णतया अवसाद ग्रसित हो जाता है और ऐसी स्थिति में उसको जरूरत होती है मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार की चिकित्सा की। परंतु यदि हम देखें तो मनोविज्ञान और चिकित्सा विज्ञान केवल उसकी मानसिक चिकित्सा में ही सहायता करते हैं। सामाजिक चिकित्सा की सहायता के लिए एक ऐसे कार्य क्षेत्र की आवश्यकता होती है कि जहां से उस सिचुएशन उस बुराई या उस अवसाद को देखा जाए कि कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, कारण की खोज की जाए जिस कारण से वह सामाजिक और मानसिक उत्पत्ति हुई है समस्या की, उसके बारे में खोज किया जाए। ऐसे में इसी अध्याय में एक नया कांसेप्ट निकल करके आता है जो समाज कार्य कहलाता है। यानी समाज कार्य व्यक्ति की उस समस्या के निदान और उपचार का जरिया है जिसके द्वारा यदि मनुष्य मानसिक और सामाजिक रूप से विकृत है तो उसके उस समस्या का खोज करके समस्या की खोज निदान व उपचार इस प्रकार किया जाए कि मनुष्य पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में उसकी सामाजिक स्थिति उच्च थी, अर्थात समाज में एक उच्चता प्राप्त करने के लिए पुनः उस स्थिति को प्रदान कर लेना जहां से उसकी मानसिक और सामाजिक समस्या शुरू हुई, वह विज्ञान समाज कार्य कहलाता है। अब अगर हम देखें तो समाज कार्य की जो अवधारणा शुरू होती है वह मनुष्य के पैदा होते ही होती है। मनुष्य जब पैदा होता है तो बच्चे के रूप में उसका जन्म होता है और जब पैदा होते ही बच्चा मनुष्य रहता है तो बच्चे को केवल नीड होती है। सर्वप्रथम हमें जानना आवश्यक है कि नीड क्या है और साथ साथ वांट क्या है। नीड यह ऐसी आवश्यकता है जो मनुष्य को केवल सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होती है, यानी केवल अपने आप को वातावरण में स्थापित करने के लिए होती है, जैसे वायु जल भोजन और निवास स्थल। इसकी पूर्ति आवश्यक होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ उसकी एक आवश्यकता होती है भोजन की, और वो भोजन के लिए सिर्फ अपनी मां पर निर्भर रहता है। मां यानी परिवार का एक सदस्य जिस पर बच्चे की निर्भरता होती है। अब आप कांसेप्ट को देखें, बच्चा भोजन यानी भोजन के लिए ही बच्चा परेशान है। जैसे ही
दूध लेने के बाद उसका पेट भर जाता है, वह दोबारा खेलता रहता है और जैसे ही पेट खाली होता है पुनः रोना शुरू करता है, यानी उसकी नीड आ गई भोजन की। यानी कहीं ना कहीं यह जो बच्चा है इसकी एक आवश्यकता, और आवश्यकता की पूर्ति ही समाज कार्य का एक पथ है। यदि आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो यानी समाज कार्य किया गया। जहां भी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती है वहीं से अवसाद की उत्पत्ति होती है, और अवसाद उत्पन्न होते ही मनुष्य मानसिक रूप से विकृत होता चला जाता है। अब हम देखते हैं बच्चा जो कि छोटा था, यह पूर्णतया असामाजिक है, यानी समाज से इसका कोई लगाव नहीं है, ये सिर्फ अपने परिवार के कुछ ही परिजनों को जानता है। लेकिन जैसे जैसे यही असामाजिक बच्चा बड़ा होता है वह धीरे धीरे समाज से संबंध स्थापित करता है, यानी समाज कार्य की मूल अवधारणा जो कि निर्भर है आपके आवश्यकता और संबंध स्थापन। जब भी कहीं संबंध स्थापना होती है, संबंध स्थापना हमेशा आवश्यकता के साथ उत्पन्न होती है, आवश्यकता के आधार पर संबंध स्थापना होती है। आवश्यकता के अगर फुल फिलिंग नहीं होती है तो मनुष्य कहीं ना कहीं अवसाद से ग्रसित होने लगता है। ऐसी स्थिति में वह मानसिक रूप से पीड़ित होने लगता है। समाज में संबंध स्थापित करते ही बच्चा सामाजिक हो जाता है, और समाज के नियम बंधन उस पर लागू होने लगते हैं। जैसे यदि आप देखें समाज में सबसे बड़ा रिलेशन परिवार और नातेदारों का होता है। नातेदारी में यदि पिता के पास समय और आवश्यकता पूर्ति के साधन नहीं है तो वह अपने परिवार के एक सदस्य को या किसी बच्चे को यह कहता है कि नातेदारी की क्रिया पूरी करने के लिए आपको यह संसाधन जुटाने हैं, जबकि उसकी आय बहुत कम है। संसाधन जुटाने के लिए वह प्रयत्न करता है, प्रयत्न के साथ साथ कहीं न कहीं उधारी या अन्य साधन के साथ वह आवश्यकता की पूर्ति करता है, परंतु कहीं न कहीं यह आवश्यकता एक ऐसे कारण को जन्म दे देती है जहां से एक मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाती है। यही मानसिक समस्या उत्पन्न हुई। यह समस्या मानसिक उत्पन्न क्यों हुई, यदि आप विचार से देखें तो यह मानसिक समस्या समाज ने दी है, यानी सामाजिक है, यानी सामाजिक और मानसिक समस्याओं का मिला जुला मिश्रण माना है सामाजिक समस्या। यह माना सामाजिक समस्या जो कि व्यक्ति को अवसाद में ले जाती है, यानी व्यक्ति कुंठित होने लगता है, आवश्यकता की फुलफिलिंग नहीं हो पाती है, जिसके कारण वह मना सामाजिक समस्या से ग्रस्त हो जाता है। इसे मना सामाजिक समस्या का अध्ययन करके उसका निदान करना, निदान मीन्स उस कारणों की खोज, चाहे वो खुली आंख से की जा रही हो या बंद आंख से, यानी सीधे सीधे देखा जा रहा हो या उस पर अध्ययन के पश्चात निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं कि किन कारणों से, उन कारणों की खोज जिसके कारण यह हमारा सामाजिक समस्या उत्पन्न हुई है, पर विचार करते हुए उसका उपचार करना समाज कार्य कहलाता है। समाज कार्य मूलतः मना सामाजिक, मनुष्य के मना सामाजिक समस्या के अध्ययन निदान उपचार के बाद उसको पुनः उस स्थिति में ला देना जिससे, जहां से उसकी सामाजिक स्थिति विकृत हुई थी, समाज कार्य करना। समाज कार्य में अब हम देखें
तो सर्वप्रथम हमने कहा संबंध स्थापना, संबंध स्थापना के बारे में यदि हम विचार करें तो देखते हैं कि मनुष्य जो संबंध बना रहा है वह अपने आसपास के वातावरण में संबंध बना रहा है। तो संबंध मनुष्य तीन प्रकार से बनाता है। फर्स्ट, पहला संबंध, जो पहला संबंध होता है वो मानव का मानव से, यानी वैयक्तिक संबंध हो जाता है व्यक्ति का व्यक्ति से। और यह जो संबंध बन रहा है, यह संबंध जो बनता है, यह कहीं ना कहीं एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य से आवश्यकता के कारण संबंध स्थापना हो रही है, यानी बीच में कहीं ना कहीं आवश्यकता आ जा रही है। दूसरे संबंध को देखें आप तो दूसरा संबंध मनुष्य का यानी व्यक्ति का समाज से, अब चूंकि समाज क्या है, समाज की अवधारणा अगर हम समाज शास्त्र में देखें तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि समाज संबंधों का जाल है, यानी कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो रहा है व्यक्तियों के समूह द्वारा, यानी समाज संबंधों का जाल है जिसमें मनुष्य एक दूसरे के साथ मिल करके अपनी व्यवस्था स्थापित करते हैं। यहां भी आप देखें तो यह जो मनुष्य का सामाजिक बंधन बनता है यह भी कहीं ना कहीं आवश्यकता पर आधारित होता है। आवश्यकता यहां कहीं ना कहीं छुपी होती है समाज से मनुष्य की और मनुष्य से समाज की, यानी समाज मनुष्य से बना हुआ है और मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है अतः यह समाज में ही सर्वाइव करना चाहता है और समाज के नियम और बंधन कानून को मानता है। तीसरा संबंध यदि आप देखें तो तीसरा संबंध समाज का समाज से, एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर करता है। जहां भी देखें देश काल की बात करें तो एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर करता है और यह समाज आवश्यकता पर आधारित। अगर हम पुराण में जाएं तो प्राचीन में हम देखते हैं कि समाज में एक बहुत अच्छा संबंध स्थापना थी जजमानी की। जजमानी व्यवस्था एक समाज को दूसरे समाज से जोड़े रहती थी। नाई लोहार का जजमान, लोहार पंडित का जजमान, पंडित ठाकुर का जजमान, इस प्रकार से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी कि हर वर्ग एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता था, अर्थात एक समाज दूसरे समाज के साथ जुड़ा रहता था, एक की आवश्यकता दूसरे द्वारा पूरी होती थी और समाज बड़े सुचारू रूप से अग्रसित होकर के चलता रहता था। सामाजिक कुरीति जैसे आई, जजमानी व्यवस्था जैसे खत्म होनी शुरू हुई, मनुष्य में कुरीति उत्पन्न हो गई जिसे आप सोशल प्रॉब्लम्स कहते हैं। वही सोशल प्रॉब्लम जनरेट होने लगी जब समाज की जगह जातियों ने अपना स्थान ले लिया। अब इसी समाज की कुरीतियों को जो आपकी आवश्यकता पूर्ण हो रही थी बाधित होने लगी, बाधित आवश्यकता के कारण ही मनुष्य इस समाज में विकृत होने लगा और मानसिक अवसाद में ग्रसित होने लगा और उसको आवश्यकता हुई एक ऐसे कार्यकर्ता की जो समाज कार्य का निपुण ज्ञाता हो। अब चूंकि समाज कार्य को अगर हम करके देखते हैं तो समाज कार्य माना जाता है कि एक व्यवसाय है। व्यवसाय में सबसे पहला गुण यह है कि व्यवसाय का एक लिटरेचर, एक साहित्य होना चाहिए, एक उसकी कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए जिसके अंतर्गत समाज कार्य बिलोंग करता है। इसकी अपनी एक कोड ऑफ कंडक्ट है और इसका अपना लिटरेचर है, इसके अपने कोर्सेज है। तो समाज कार्य का कार्यकर्ता वही माना जाता है जो इसका अध्ययन किया हो, रजिस्टर्ड हो, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता हो। लेकिन यदि भारत में आप देखें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो समाज में बुराई के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं परंतु
उन्होंने समाज कार्य का अध्ययन नहीं किया, इसलिए वह केवल लोक सुधारक या समाज सुधारक माने जा सकते हैं, समाज कार्य में वो समाज कार्य के कार्यकर्ता नहीं माने जा सकते। तो लोक सुधार की अपेक्षा समाज कार्य केवल केवल इतना कार्य करता है कि जहां भी मन सामाजिक समस्या आती है वहां वह उपचार करके मनुष्य को उसी स्थिति में पहुंचाने का कार्य करता है जहां से वह अवसाद ग्रसित हुआ है, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं करता है। जबकि सोशल डेवलपर लगातार वह प्रयास करता रहता है कि मनुष्य हमेशा आगे बढ़ता रहे, अग्रसरित होता रहे। तो यह विभेद हो गया कि सोशल डेवलपर और सोशल वर्कर। सोशल वर्कर चूंकि पद्धति प्रणाली और इसके सिस्टम के आधार पर कार्य करेगा, इसके जो नियम कानून जो प्रणालियां लागू हुई है जो आपके मेथड लागू होते हैं उसको लगा करके काम करता है। वह देखता है प्राथमिक प्रणाली में की समस्या है कि द्वितीय प्रणाली की समस्या है कि यह सामाजिक क्रिया की समस्या है, किस में इसका जाना आवश्यक है और किस हिसाब से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं या किस हिसाब से हम इसकी समस्या को दूर कर सकते हैं, उसको बस देख करके उसके अध्ययन और निदान पर विचार करता है। जैसे आप उदाहरण देख लें कि एक बच्चा जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उसके पेरेंट परेशान है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई में कमजोर है। वह एक समाज कार्य के कार्यकर्ता या प्रैक्टिशनर के पास जाती है और अपने बच्चे के बारे में उसकी काउंसलिंग कराती है। काउंसलिंग का सबसे पहला नियम जो समाज कार्य कहता है कि व्यक्ति के बारे में जानने से पहले संबंध स्थापना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि संबंध स्थापना बहुत जरूरी है। जब तक इस बच्चे को या किसी भी ऐसे मानसिक और सामाजिक रोगी को यह पूर्ण निश्चय नहीं हो जाता कि यह व्यक्ति हमारे लिए लाभदायक है, तब तक वह अपने विषय में कुछ नहीं बताता। और चूंकि मनुष्य के विषय में जानना आवश्यक होता है तो इससे वह पहले संबंध स्थापना करता है उस बच्चे से, ऐसा बिहेवियर करता है कि लगता है कि वह उसका फ्रेंड हो। और यह बच्चा बताता है, इससे जो भी काउंसलिंग की जाती है उस हिसाब से निष्कर्ष निकल के आता है कि मानसिक रूप से परिपक्व बच्चा है परंतु पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? यह उसकी मानसिक अपनी कुछ वेदना होगी। इसके लिए वह समाज कार्य में दी हुई विभिन्न थेरेपियों में से एक थेरेपी को अप्लाई करता है जो बच्चे पर बहुत सुटेबल पड़ती है, गेम थेरेपी, खेल चिकित्सा। खेल चिकित्सा क्या है? समाज कार्य कहता है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत रूप मानसिक रूप से संतुष्ट है परंतु अपने कार्य में अग्रसित नहीं है, उसके कार्य को अग्रसारित कराने के लिए उसको अगर गेम थेरेपी में लगा दिया जाए, जैसे आप एक गेम देखे होंगे शतरंज का, शतरंज में अगर किसी को लगा दिया जाए तो बाजी जीतने का ही प्रयास करता है, उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है। सेम व्यवस्था इस बच्चे के लिए की जाती है कि इसको गेम थेरेपी शतरंज खेलने के लिए लगाया जाता है, धीरे धीरे शतरंज का आदि होता है और जीतने की इसकी लालसा बढ़ती चली जाती है और अब इसकी स्थिति ऐसी हो जाती है किसी गेम को यह हारना नहीं चाहता है। धीरे धीरे जब दोबारा वही काउंसलर पुनः इसको बुलाता है और बताता है कि तुम्हारे क्लास का नाम फर्स्ट पोजीशन ले आ रहा है, व्हाई यू डू नॉट, आप क्यों नहीं, उसको लगता है कि हाँ ये कार्य हम कर सकते हैं। उसके अंदर एक टेंडेंसी जागृत हो गई गेम चिकित्सा से कि वह कर सकता है और धीरे धीरे वह अपने आप को ऐसा सेट करता है कि आने वाले एग्जाम में वह फर्स्ट पोजीशन जाता है। इस प्रकार उसकी मानसिक और सामाजिक जो समाज ने उस पर एक प्रेशर एक दबाव डाला था कि यह जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, वो जिंदगी में सबसे बड़ा अचीवमेंट करके दिखा देता है। यह समाज कार्य द्वारा ही केवल संभव है जो कि व्यक्ति के अध्ययन से उस कारण की खोज होती है जिस कारण से उसका मानसिक स्तर नीचा हुआ।
और निदान से उस क्रिया को हम देखते हैं कि किस सिद्धांत में आएगा, उसी के अनुसार उसका उपचार करके मानसिक सामाजिक स्तर पर उसको मजबूत बनाते हैं। अब आप देखें आज आपकी संबंध स्थापना यानी समाज कार्य को अगर देखें तो मूल कांसेप्ट इसका संबंध स्थापना से ही है। दूसरी आपकी कांसेप्ट आवश्यकता, आवश्यकता को अगर हम देखें तो आवश्यकता आपकी मूलतः समाज कार्य के आधार पर तीन प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। तीन प्रकार की आवश्यकता में पहली आपकी भौतिक आवश्यकता, आवश्यकता फिजिकल नेसेसिटीज, दूसरी आवश्यकता विशिष्ट आवश्यकता स्पेसिफिक नेसेसिटीज, तीसरी आवश्यकता अपूरित आवश्यकता। भौतिक आवश्यकताएं वह आवश्यकताएं होती है जो मनुष्य के जीवन में उसके विकास के लिए आवश्यक होती है। इसी भौतिक संसाधनों की पूर्ति के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में निरंतर अग्रसित होता है और अपनी वांट यानी चाहत यानी लग्जीरियस को बढ़ाता है। वांट की पूर्ति भौतिक संसाधन के द्वारा, क्योंकि समाज को आप देख रहे हैं तो समाज पूर्णतया दिखावेपन पर विश्वास करता है और दिखावापन इसी वांट से जनरेट होता है। लोग अपने आप को बहुत ऊंचा साबित करने के लिए बहुत सारी लग्जीरियस वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं और ये वस्तुएं सिर्फ भौतिक संसाधन के रूप में प्रयोग की जाती है। विशिष्ट आवश्यकता को देखें तो मनुष्य की कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति अत्यंत आवश्यक होती है। इसी अत्यंत आवश्यकता की पूर्ति न होने पाने के कारण मनुष्य हमेशा कुंठित रहता है कि यह अवसर हमारी आवश्यकता पूर्ण नहीं हो पा रही या किसी विकृति के कारण शारीरिक या मानसिक उसकी जो आवश्यकता थी वह पूर्ति नहीं कर पा रहा है और सामाजिक रूप से पूर्णतया कटा हुआ है। चूंकि समाज ने इसको भिन्नता प्रदान की हुई है उस विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण, जैसे आप समाज में विभिन्न ऐसे लोगों को देखे होंगे कि जिनके एक हाथ नहीं है पैर नहीं है, लोगों का नजरिया उनके प्रति दूसरा होता है। अगर उसी प्रकार की कृत्रिम आवश्यकता उसकी पूरी कर दी जाए और वह कार्य करने लगता है तो उसकी विशिष्ट आवश्यकता पूरी हो जाती है, अपने आप को वह हीन भावना से ग्रसित नहीं होता है। तीसरी आपकी अपूरित आवश्यकता होती है, अपूरित आवश्यकता यानी अनफुलफिल्ड नेसेसिटी, यह ऐसी आवश्यकता होती है जिसको मनुष्य अपने जीवन में कहीं पूरा नहीं कर पाता है, यह हमेशा अपूरित ही रहती है। इसको पूर्ण करने का वह निरंतर प्रयत्न करता है, प्रयत्न में सफल न होने पर वह अवसादित हो जाता है, यानी वह इन्हीं आवश्यकताओं के पूर्ण न होने पर मनुष्य मरण सामाजिक समस्या से ग्रसित हो जाता है, जिसके लिए आपको एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होती है जहां उसका अध्ययन करके निदान और उपचार किया जाए, यानी समाज कार्य की आवश्यकता होती है। यानी आवश्यकता की पूर्ति न होना मनुष्य में मरण सामाजिक समस्या की उत्पन्नता को बढ़ाना, जहां से समाज कार्य शुरू होता है। यहां तक हमने देखा कि हमारी आवश्यकता पूर्ति हो रही है, क्योंकि यह समाज कार्य का एक कांसेप्ट हमने आपको एक मेथड समझाया, कैसे आप समझेंगे लिखेंगे कैसे और कैसे समाज कार्य का क्वेश्चन बनेगा, यह अगले आपके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग शुरू करेंगे।